तो आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 9 के कंटिन्यूएशन में ये दूसरा लेक्चर है हमारा, जिसमें हम हेनरी फ्यूल के बारे में जानेंगे। तो उनका जन्म 1841 में फ्रांस में हुआ था और उन्होंने माइनिंग कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम किया था, है ना। और 1888 तक वो कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर पहुंच गए थे। द नेक्स्ट ये है कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ही रोट, है ना, इन्होंने 3 वर्क लिखे, है ना, 3 वर्क। जर्नल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 1908 में लिखा गया, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो 1916 में लिखा गया, और द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टेट 1923 में लिखा गया। तो इनको क्रोनोलॉजी के साथ याद रखने की ज़रूरत है, है ना। तो अब हेनरी फोल को मैनेजर अप्रोच का फाउंडर माना जाता है, जिसे मैनेजियल प्रोसेस स्कूल भी कहा जाता है। तो बीच बीच में इसमें एक और बात है कि इन्होंने हेनरी फोल को फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दो चीज़ें इसमें ध्यान रखने योग्य बात है, है ना। और एक और पॉइंट है, आगे बढ़ने से पहले बता दिया जाए कि ही इज एसोसिएटेड विथ नैरो व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नैरो व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कुछ टिडबिट्स हैं जिन्हें याद रखने की ज़रूरत है, एग्जाम में कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ थिंकरों के लिए मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल अंडरटेकिंग तक कन्फाइंड रहती है, सीमित रहती है। और एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जो गवर्नमेंट की एक्टिविटी को चलाने की एक कला है, है ना। लेकिन फ्योल ने क्या आर्ग्यू किया कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, माने मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अंतर नहीं है, है ना। तो मैनेजमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज एज वेल एज बिजनेस अंडरटेकिंग। तो मैनेजमेंट ना केवल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में बल्कि बिजनेस अंडरटेकिंग में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, है ना। और उनका मानना था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा भी हो, उसको 6 एक्टिविटी उसमें अवश्य प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट एक्टिविटी है टेक्निकल एक्टिविटी, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, गोल अटेनमेंट। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में भी यही लागू होता है, तो ये बदल जाएगा, है ना, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में। नंबर 2 कमर्शियल एक्टिविटी, तो बाइंग एंड सेलिंग, है ना। और ये फाइनेंशियल एक्टिविटी जिसमें होती है कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल अदर फिक्स्ड रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज का कैपिटल और अदर रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो। और एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं उन पे पब्लिक जो फंड है उसको इंट्रस्ट किया जाता है, तो उसमें उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो कैपिटल, है ना, और अदर रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करेंगे, है ना। चौथी एक्टिविटी है सिक्योरिटी एक्टिविटी, है ना। तो जैसे गवर्नमेंट का भी काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट का भी काम होता है ना, इसके लिए सिक्योरिटी एजेंसी बाकायदा होती हैं। तो अकाउंट एक्टिविटी ना बैलेंस शीट्स और कॉस्ट, तो गवर्नमेंट में भी फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जो कि इन सब चीज़ों को देखता है। और मैनेजेरियल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजिंग एवरी अदर एक्टिविटी, तो इन सब एक्टिविटी को गवर्नमेंट की एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैनेजियल एक्टिविटी का सहारा लिया जाता है। और फ्योल के अनुसार 6 क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो ये है फिजिकल, मेंटल, मोरल, जर्नल एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो ये फ्योल के अनुसार 6 क्वालिटीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। अब आगे बढ़ते हैं तो एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को जानते हैं। तो इन्होंने POCCC का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें फर्स्ट पी का मतलब है प्लानिंग, तो मेकिंग प्लान फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, है ना। तो जो कार्य किया जाना है उसके लिए प्लानिंग पहले बनाई जाती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एवरीथिंग दैट इज़ नेसेसरी फॉर एन एक्टिविटी, है ना। तो
हर उस वस्तु को उपलब्ध कराना जो कि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आवश्यक होती है ना। इसमें फिर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल मैनेजरल ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट का काम देखें, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ह्यूमन रिसोर्स एक डिपार्टमेंट अलग से होता है। तो ये है ना दो चीज़ें हैं। फिर सी का मतलब है कमांड, इशूइंग डायरेक्शन है ना। तो आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक हायर अधिकारी होता है और उसके माध्यम से जो है तो उनके सब डिवीजन में जो है तो हर डायरेक्शन को डायरेक्शन इशू की जाती है अबाउट एनी पर्टिकुलर स्कीम और पॉलिसी है ना। फिर कोऑर्डिनेशन है ना, तो इसमें इंटर गवर्नमेंटल और इंट्रा गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन होता है ना, तो जो जिसके हारमनी और कोऑपरेशन के साथ वर्क किया जाता है। और ये कंट्रोल है, तो मेकिंग पीपल फॉलो द गिवन कमांड है। और तो इसमें एक और चीज़ रहती है कि कंट्रोल का भी ऑप्शन इसमें चुना जाता है, जिससे कि लोग जो है तो गिवन कमांड और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें है ना। इसमें 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 14 को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार जो है तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद जनरल इंटरेस्ट है ना, रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल है, सेंट्रलाइजेशन है ना, स्केलर चेंज, ये हायरार्की है। तो ये पूछ लिया जा सकता है कि स्केलर चेंज कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है, तो ये हेनरी फ्यूल से संबंधित है, लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू लोअर रैंक है ना, ये जो हमने पहले बता चुका है। इसमें ऑर्डर होता है, प्लेसमेंट है ना, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेनोवर, इनिशिएटिव, एबिलिटी टू थिंक अफ्रेश एंड स्पिरिट डे कॉर्पे, ये होता है हारमोनी एंड टीम स्पिरिट है ना। तो ये होता है। फिर हेनरी फोल ने एक गैंग प्लैंग का कॉन्सेप्ट दिया था। तो गैंग प्लैंग का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसमें जो है तो हम पढ़ते हैं कि इट रिफर्स टू नीड फॉर लेवल जंपिंग इन एन हायरार्की है ना। समटाइम्स वी नीड टू बाई पास द लाइन ऑफ अथॉरिटी ऑफ हायरार्की एंड टेक एक्शन है ना। हमने इसे जो एडमिनिस्ट्रेशन या कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन होता है वो हायरार्की के मन में होता है, मतलब यहाँ से डायरेक्शन इशू होगा तो हर एक बॉडी को जो है तो डायरेक्शन को जो है तो फॉलो करना पड़ता है। पर अगर कभी ऐसा हो कि इमीडिएट रूप से जो है तो डायरेक्शन मतलब लेना पड़े, कोई काम बहुत ही आवश्यक हो गया है और उसके लिए डायरेक्शन लेना है, तो फिर आप यहाँ तक नहीं जा सकते। तो इसके लिए जो इसके ऊपर ही अधिकारी बैठा है और इसके ऊपर जो अधिकारी बैठा है, इन दोनों से अगर ए और बी ने इन दोनों से बात कर ली है कि है ना हमको अभी सूचनाओं का आदान प्रदान करना है तो क्या हम कर सकते हैं, तो ये अगर उनसे अनुमति ले ली गई है तो फिर ये कम्युनिकेशन इनके बीच हो जाएगा। तो इसी को गैंग प्लैंक की अवधारणा की जाती है ना। तो रिकोर्स टू गैंग प्लैंक इज पार्शियल वनली व्हेन द इमीडिएट सुपीरियर अथवा यही बात है कि अगर इसने सी ने जो है तो और यहाँ पर डी ने इन दोनों को अनुमति दे दी है कि हाँ ऐसा एक्शन परफॉर्म किया जाए लेवल जंपिंग का, तो इस सिचुएशन में लेवल जंपिंग किया जा सकता है। तो धन्यवाद जो है तो इस लेक्चर के लिए, और मिलते हैं आगे के लेक्चर में। धन्यवाद।